नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। रेलवे ने विस्तारीकरण योजना के तहत जमशेदपुर के खास महल कॉलोनी स्थित जगन्नाथ मंदिर को हटाने का नोटिस शुक्रवार को जारी किया था। इधर उस आदेश के आलोक में शनिवार को रेलवे की लैंड डिपार्टमेंट की टीम मंदिर को हटाने पहुंची, जहां पहले से मौजूद मंदिर कमेटी व अन्य लोगों ने इसका विरोध किया। आसपास के काफ़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जमा हो गए और रेलवे की कार्रवाई का विरोध जताया। इस दौरान रेलवे पदाधिकारियों से लोगों की काफ़ी बहस भी हुई। इसके बाद लोगों का गुस्सा देख टीम के सदस्य अतिक्रमण हटाए बिना ही वापस चले गए। मामले की जानकारी देते हुए रेलवे के अधिकारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि मंदिर के पीछे रेलवे क्वार्टर है, जिसमें रेल कर्मचारी रहते हैं। इस क्षेत्र में नशेड़ी अक्सर अड्डाबाजी करते हैं। इसकी शिकायत यहाँ रहने वाले लोगों ने DRM से की। उन्होंने बताया कि रेलवे ऑफिसर क्लब जाने वाले सड़क के बगल में मंदिर से सटे एक अतिरिक्त दीवार का निर्माण किया गया था, उसे हटाने का आदेश आया था। मंदिर हटाने का कोई भी आदेश रेलवे की ओर से नहीं दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे हटाया जाना था। फिलहाल विरोध के बाद मामला टाल दिया गया है। वहीं पूजा मंदिर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर ही 4-दीवारीकरण का निर्माण किया गया है। उन लोगों ने भी अड्डेबाजी की शिकायत पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। कंप्लेन गया था कि यहाँ कोई नशा पुराना नशा उसका पीने वाला यहाँ रहता है। वो लोग आके नाइट में पीता था। अच्छा, तो इसी पे कंप्लेन यहाँ से गया था। इसी वजह से टूट जाएगी तो रोड से दिखेगी। अच्छा, नाइट आएगा इसके लिए। तो ये जो रेलवे के क्वार्टर सब यहाँ रेलवे कर्मचारी रहते हैं, इन्हीं के द्वारा शिकायत है? किसके द्वारा गया? ये जो अतिक्रमण है हो रहा है, जो किया गया ऊपर में, इसको हटाना है? इसको हटाना। मंदिर को मंदिर का नहीं।